आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, छोटी वाली या बड़ी वाली, बच्चों की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि छोटी वाली एग्जाम है, बड़ी वाली एग्जाम है, पहली वाली एग्जाम है, आखिरी वाली एग्जाम है। अरे मैं तो कहता हूँ वनडे वाली एग्जाम दे रहे हो या फाइनल वाली एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के वक्त आपको ये काम करना है कि जब भी कभी आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, आप बस सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लें। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। लेकिन इसमें ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि आप जो कोई क्वेश्चन लिख रहे हो आंसर शीट में, उस क्वेश्चन का नंबर कभी भी लिखना भूले नहीं, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपने कौन से सवाल का जवाब लिखा है, तो आपके मार्क्स कटे नहीं। जो आपको आसान लग रहा है सबसे पहले उसे लिख लीजिए, उसके बाद जो भी आपको मुश्किल लग रहा है उसके बारे में बाद में आप सोचने बैठिए, तो आसान वाले क्वेश्चन जल्दी से कॉन्फिडेंस से आप लिख पाएंगे और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। गॉट इट?